तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लेकर गया हूँ ये हमारा डिस्प्ले लाइट का आगे का टॉपिक है कि मोबाइल फोन में अगर डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं या उसका रिपेयर करने का तरीका क्या है, उसके बारे में आज आप समझाने वाले हैं। पहली बात तो ये जो डिस्प्ले लाइट का जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ ये क्या आपके कीपैड मोबाइल फोन का है। यदि हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं जो कीपैड मोबाइल फोन आते हैं, यदि कीपैड मोबाइल फोन में डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दिया था वो एंड्रॉयड मोबाइल फोन के बारे में बताया कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन में डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम आती है उसको कैसे रिपेयर करते हैं, और आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो कीपैड मोबाइल फोन आता है उस कीपैड मोबाइल फोन में डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं, उसका रिपेयर करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों फिर उसके बाद फिर मैं अगला टॉपिक में आपको बताऊंगा कि अमोलेड डिस्प्ले आती है, अमोलेड डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, उसका रिपेयर करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक फोन से लेकर स्मार्टफोन, एंड्रॉयड मोबाइल फोन, आईफोन, टैबलेट, सभी कैटेगरी के जितने भी मोबाइल फोन आते हैं तो सभी मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका आपको सिखाया जाता है। बेसिक लेवल से लेकर के हम लोग एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से सीखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और अपने टॉपिक को कवर करते हैं कि कैसे हमारे मोबाइल फोन में डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम आएगी तो उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा, उसको रिपेयर करने का तरीका क्या है। देखिए सबसे पहली बात क्या, डिस्प्ले लाइट काम कैसे करती है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, कीपैड मोबाइल फोन आते हैं, तो कीपैड मोबाइल फोन के अंदर सारी डिस्प्ले जो लगी होती है वो सोल्डिंग वाली डिस्प्ले लगी होती है। दोस्तों कैसे लगी होती है, सोल्डिंग वाली डिस्प्ले लगी होती है। सोल्डिंग वाली डिस्प्ले के ऊपर ऐसे बल्ब लगे होते हैं, एलईडी बल्ब जिनको हम बोलते हैं। ये एलईडी बल्ब के लिए यहां पर कनेक्शन भी आते हैं, जिसको कनेक्शन को आप अगर आप बोलेंगे तो इस तरीके से कनेक्टिविटी होती है। ये कनेक्टिविटी जो होती है अलग अलग पिनों से होते हुए, जैसे ये आपकी एक पिन होती है, पॉजिटिव पिन होती है, मैं आपको अलग कलर में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये पॉजिटिव सप्लाई होती है, पॉजिटिव सप्लाई इस पे जाएगी, फिर इस पे जाती है, फिर इस पे जाती है, प्लस प्लस प्लस। लेकिन उसके बाद जो माइनस की कनेक्टिविटी होती है, माइनस की कनेक्टिविटी सबकी कैसी होती है, अलग अलग होती है। इसमें से एक पॉइंट जो होता है वो प्लस होता है, बाकी जितने पॉइंट होते हैं ये सारे माइनस होते हैं। इसको हम लोग एनोड, कैथोड, कैथोड, कैथोड। एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव, कैथोड का मतलब होता है माइनस। तो ये आपके एलईडी के प्लस माइनस के पॉइंट होते हैं। कीपैड मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट जलने के लिए यहाँ पर आपको 2.8 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। इसकी जो माइनस सप्लाई होती है, माइनस सप्लाई यहाँ पर आकर कैसे ग्राउंड हो जाती है या निगेटिव से कनेक्ट हो जाती है, और इसकी पॉजिटिव सप्लाई होती है किसी एक पिन से होते हुए आगे जाती है। पॉजिटिव सप्लाई को काम करने के लिए 2.8 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। यह 2.8 वोल्ट जो सप्लाई होती है वो तुम्हारी पावर आईसी से आती है। पावर आईसी तो जो सप्लाई जाती है इसके लाइन में कैपेसिटर लगा होता है, या एक दो कैपेसिटर लगे होते हैं, उसके बाद सप्लाई आगे सीधी चली जाती है और आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट जलती है। उसके बाद जो माइनस वाली सप्लाई होती है, माइनस वाली सप्लाई कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि माइनस की लाइन ग्राउंड होती है, कई बार ये माइनस की लाइन ग्राउंड ना होकर के सीधे आगे आती है, कैपेसिटर लगा होता है, फिर सप्लाई चली जाती है पावर आईसी के अंदर। तो यहाँ पर इसकी माइनस की लाइन जाती है जिसको हम लोग कैथोड लाइन बोलते हैं, इसको हम लोग एनोड की लाइन बोलते हैं, जिसको हम लोग प्लस लाइन बोलते हैं। तो यदि आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट जलती है तो प्लस माइनस के जब वोल्टेज जाते हैं तब आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट जलती है और डिस्प्ले लाइट की समस्या सॉल्व होती है। कीपैड मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम हैंडसेट को चालू करते हैं तो हमारा मोबाइल फोन ऑन होता है लेकिन डिस्प्ले में लाइट नहीं जलती। तो उस कंडीशन पर आप लोग क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आज आपको तरीका आपको बताने वाले हैं। कीपैड मोबाइल फोन में चेक करने के लिए सबसे पहला काम, आप मोबाइल फोन खोलिए, डिस्प्ले का जो पत्ता है उस पत्ते को आयरन से रिसोल्ड करिए। पत्ते को रिसोल्ड करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है तो डिस्प्ले जैक का जो पिनें दी हुई हैं इस पिनों को आप आयरन से रिसोल्ड करेंगे। पिनों को आयरन से रिसोल्ड कर लिया उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो डिस्प्ले के अंदर जो एलईडी बल्ब लगे होते हैं यानी एलईडी बल्ब को चेक करेंगे। एलईडी बल्ब को चेक करेंगे, चेक करने पर क्या, जब बल्ब को चेक करोगे तो बल्ब चेक करने पर जलता है, मल्टीमीटर को भी पॉइंट सेट करेंगे
बीप पॉइंट पे सेट करने के बाद जब आप इसको चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या होगा, बल्ब जलेगा। बल्ब जलने का मतलब क्या होता है कि प्लस को प्लस पे चेक किया, माइनस को माइनस पे चेक किया तो हमारा बल्ब जल रहा है। तो बल्ब जलने का मतलब रहता है कि हमारा लाइट सही है, अगर बल्ब नहीं जलता तो हमारा लाइट खराब है, मतलब अंदर का जो एलईडी बल्ब है खराब है। हमारा जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले में दो हिस्से होते हैं, तो पहले आगे का जो ब्लैक कलर का हिस्सा होता है वो आपका डिस्प्ले का होता है, पीछे का जो व्हाइट कलर का हिस्सा होता है वो आपका डिस्प्ले में लाइट लाने के लिए होता है या रोशनी के लिए होता है, आगे का हिस्सा ग्राफिक लाने के लिए होता है। यदि आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है तो मोबाइल फोन खोलेंगे, मोबाइल फोन खोलने के बाद डिस्प्ले में जो एलईडी के प्लस माइनस होते हैं, इस प्लस माइनस को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। प्लस माइनस को चेक करने के बाद अगर आपके मोबाइल फोन में एलईडी बल्ब नहीं जलता तो एलईडी बल्ब को हम लोग क्या करेंगे, रिपेयर कर देंगे, चेंज करेंगे। ये लाइट का जो स्ट्रिप होता है, इस पूरे लाइट के स्ट्रिप को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं आसानी के साथ में। और अगर नहीं बदलने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम रहती है, या हम लोग चेक करते हैं तो सारे बल्ब जल रहे हैं लेकिन वैसे नहीं लाइट जल रही है, तो आप इसके एनोड कैथोड दोनों पॉइंटों में चेक करेंगे तो यहाँ पर पॉइंटों में चेक करने पर आपको वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट में चेक करने पर भी वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पर वैल्यू मिलती है तो वैल्यू मिलने से तुमको ये समझ में आता है कि इसका लाइन का कनेक्शन सही है, और वैल्यू नहीं आता तो इसका मतलब लाइन का कनेक्शन खराब है। अगर वैल्यू नहीं आती तो आप इसके प्लस से उठा करके सीधे एनोड वाले पॉइंट पर जम्पर मार देते हो और आपके मोबाइल फोन में लाइट जल जाती है। अगर माइनस से वैल्यू नहीं आती तो माइनस उठा करके कैथोड वाले पॉइंट पर जम्पर मार देते हो तब आपके मोबाइल फोन में लाइट जल जाती है। अगर उसके बावजूद भी आपके मोबाइल फोन में लाइट नहीं जलती तो आप एक काम करिए, इसके प्लस के पॉइंट से जम्पर ले लीजिए। अब प्लस पॉइंट से जम्पर लेने के बाद सेट को चालू कर लीजिए, डिस्प्ले में चित्र आ जाएगा, इस पॉइंट को पकड़िए जम्पर को, एक एक करके जितने सारे पॉइंट है सारे पॉइंटों से स्टेप बाय स्टेप ऐसे टच करिए। जिस पॉइंट से टच करने पर डिस्प्ले में एकदम से लाइट अगर फट से जल जाती है, या जहां से आपका प्रॉपर अच्छी तरीके से लाइट दिखती है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि चालू करने के बाद ये भी देख सकते हैं, जिस पॉइंट पे हमारा 2.8 वोल्टेज आता है आप उसी पिन से लेकर के 2.8 वोल्टेज पर जम्पर मार देंगे तो आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट जल जाएगी और आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी दिक्कत आती है, यहाँ पर नहीं हो पाता, तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार कीपैड के अंदर जो बल्ब लगे होते हैं वहां से भी प्लस माइनस से इसका कनेक्शन कर देते हैं, लेकिन वो कीपैड के हिसाब से फिर लाइट जलना शुरू हो जाती है, लेकिन वो प्रॉपर अच्छा तरीका नहीं है। बेहतर तरीका आप यही है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि इसके प्लस से लेकर के अगर यहाँ पर वैल्यू ना मिले, सप्लाई खराब हो जाए, तो प्लस से लेकर के एक एक करके सारी पिनों पर टच करेंगे, जिस पिन से टच करने से अगर आपकी लाइट जल जाती है तो उसी पिन से लेकर के एलईडी बल्ब तक जम्पर मार देंगे और आपके मोबाइल फोन में लाइट जलना चालू हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास जितने भी कीपैड मोबाइल फोन आते हैं, उन कीपैड मोबाइल फोन में अगर डिस्प्ले लाइट की समस्या आती है तो डिस्प्ले लाइट की समस्या को हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे, उसको रिपेयर करने का तरीका क्या है। अब मैं आपको इसका जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको आगे की टॉपिक में आपको समझाऊंगा कि इसका कैसे प्रैक्टिकल किया जाएगा, इसको चेक करने का स्टेप क्या है, या चेक करने का तरीका क्या है, इसका मेथड क्या है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपके पास कीपैड मोबाइल फोन आता है तो कीपैड मोबाइल फोन में लाइट की प्रॉब्लम को आप कैसे रिपेयर करेंगे, और इस तरीके से 100% कीपैड की लाइट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने मोबाइल फोन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा टॉपिक था, इससे पहले मैंने एंड्रॉयड के बारे में बताया था, आज मैंने कीपैड मोबाइल फोन के बारे में बताया, उसके बाद फिर मैं आपको AMOLED डिस्प्ले के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास AMOLED डिस्प्ले आती है, उसमें अगर डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं, या उसको रिपेयर करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और वीडियो को अच्छे से देखें, जिस तरीके से हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो आपको देते हैं, वो हम लोग अपना जो रिपेयरिंग करने का जो स्टेप है वो हम आपको समझाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग मैसेज करते हैं कि सर मेरे पास किसी कारण से पैसा नहीं है, या मुझे आधा अधूरा नॉलेज है, या आज हम अपनी दुकान पर बैठ करके काम कर रहे हैं लेकिन अच्छी तरीके से मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम नहीं कर पाते। तो ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना करके देता हूँ ताकि उनको अच्छे से नॉलेज हो जाए और अच्छी तरीके से काम कर पाएं, या जो लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, इस लाइन में बिल्कुल जीरो हैं, और अगर वो लोग अगर रिपेयरिंग के लाइन में आना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है, किस तरीके से आप ट्रेनिंग लेकर के मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट काम करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, चैनल से जुड़े रहें, चैनल की और भी सारी वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर भी करें, और वीडियो देखने के बाद एक पॉजिटिव मैसेज जरूर करें कि आपको जो भी सारी चीज़ें मैंने समझाया आपको समझ में आई कि नहीं आई, और आपको क्या चीज़ चाहिए, अगर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर 6391711711 6391211211 किसी दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, दिन में देख सकते हैं कि कैसे क्लासेस होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।